अवधेश जी भी बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता है। अवधेश जी आ जा भाई। नहीं, हमारे साथ मिशन 100 करोड़ ट्रीज के मेंबर्स हैं। हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि ये लोग ऐसे काम कैसे करते हैं, कैसे इंस्पिरेशन मिली इनको। तो पहले सर बताएंगे हमको। राजू जी ने, मेरा नाम अवधेश तिवारी है और मैं मिशन 100 करोड़ को हम लोग एक सोच है और एक मिशन है कि 135 करोड़ जनसंख्या पूरे भारत के लोग हैं और ऐसा ये मिशन चले कि हर आदमी अपने साल में एक बार पेड़ लगाए, मिनिमम एक पेड़। हम तो कहेंगे हमारी भूख मिटती नहीं, हर आदमी 100 पेड़ लगाए साल में, क्योंकि अगर एक करोड़ भी 135 करोड़ में जाग गया, अगर 100 पेड़ एक साल लगाता है तो आराम से 100 करोड़ हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो हमारा ये एक सोच है और हम लोग क्या करते हैं, हर सप्ताह हम लोग सोशल मीडिया या अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में पता करते हैं किसका जन्मदिन है और किसकी शादी की वर्षगांठ है। फिर हम उनसे बात करते हैं कि सर आप केक खाओगे, पार्टी दे रहे हो, 50,000 खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा हमारा पेड़ों पर नेचर के रूप में। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया, पेड़ जो कि हम मर भी जाएंगे तो हमारे पेड़ जिंदा रहेंगे हमारे नाम पे, और कोई अगर देखेगा कहेगा ये इन्होंने अपने जन्मदिन पे लगाया था, इन्होंने शादी के वर्षगांठ पे लगाया था। तो एक मिशन है हमारे साथ, गौरव जी जुड़े, राजू जी पहले, फिर मैं जुड़ा, फिर गौरव जी, फिर आशीष जी, फिर एक सिलसिला चलता गया और हमारा हर जगह लगभग स्टेट में, बिहार में भी है, MP में भी है। वो लोग जो हमें सोशल मीडिया पर मिलते हैं कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हो, और हमारी लाइव वीडियो बनती है कि हम कोई काम कर रहे हैं लाइव दिखाते हैं। हम उसको डाउनलोड भी कर सकते थे वीडियो को, लेकिन लाइव इसीलिए दिखाते हैं लोगों को पता चले कि यहाँ पे लाइव काम हो रहा है, और लोग देखते हैं तो भागते भागते जहाँ होते हैं वो लोग चले आते हैं। और डेली हर शनिवार संडे आप भी देख सकते हो 7 बजे या 8 बजे हमारे मिशन 100 करोड़ पेज पे जाके, या अवधेश तिवारी या राजीव कुमार के उस पे मिशन पे जाके, तो आप लोग ये कर सकते हो। और ये मेरा, हम लोग का मिशन नहीं है कि हमारी एक NGO है या हमारा कोई एक मिशन है, कि ये आपका भी मिशन है, आपका भी मिशन 100 करोड़। लोग हंसने लगते हैं कि मिशन 100 करोड़ कैसे कर पाओगे, तो हम नहीं करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। आप बहुत इजी काम है, अगर सोचने के लिए 100 करोड़ बहुत बड़ा टारगेट है। और मैम से पूछते हैं, मैम आप यंगर जनरेशन और आने वाली यूथ को क्या एक्सपीरियंस देना चाहेंगी, इसके बारे में मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज तो वायरल हो रहा है 100 मिशन करोड़ के थ्रू। मैं भी पर्यावरण प्रेमी हूँ, जया श्रीवास्तव नाम है मेरा, और मैं वैशाली में रहती हूँ। तो पौधे लगाती थी, बट सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे मैंने इनको, अवधेश जी को, राजीव जी को ढूंढा, इनके साथ जुड़ गई, और ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। यूथ हमारे, ये देखिए छोटी छोटी बच्ची है, ये हर संडे हम लोग के साथ लगी रहती है, छुट्टी सर्विस करती है बट छुट्टी वाले दिन ज़रूर आती है, पेड़ लगाती है। तो हमें लगता है कि सबको एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए। हम यहाँ देख सकते हैं छोटे से लेके बड़े तक, जी हाँ, हर जनरेशन के लोग यहाँ पे हैं। ये दिल्ली पूर्वी से आती है और मुझे ढूंढते उद्देश्य कहाँ है, उद्देश्य कहाँ है, और चली आती है। और बच्चे जवान, आप लोग सोए होंगे संडे के दिन 10 बजे, लेकिन हम लोग आज देर में आए, हम लोग 7 बजे 8 बजे घाट पे पहुंच जाते हैं, या दिल्ली NCR के कहीं कोने पे, इंदिरापुरम, वैशाली, ये हमारी टीम सारी इंदिरापुरम की है। हम लोग दिल्ली में भी आए लेकिन वहाँ के लोग एक्टिव नहीं थे, हम लोग नोएडा भी गए थे, वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन इंदिरापुरम के लोग हमें ज़्यादा एक्टिव दिखे। और साथ में जही बुलाए, ये सर हमारे साथ हमेशा पहुंच जाते हैं, क्या नाम है सर आपका? देवाशीष जी हैं, ये भी चले आते हैं। हमें यही बोलना है, देखिए जनसंख्या इस देश का धीरे धीरे 135 पर पहुंच गया है। अब हमें देखना है कि जनसंख्या का कैसे हम फायदा ले सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट एक नेगेटिव तो है ही, लेकिन साथ साथ उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। उसमें हमारे जैसे जो बिजनेसमैन है वो सोचते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ सकता, तो ऐसे एनवायरमेंटल प्रेमी हमें यह देखना पड़ता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 135 करोड़ में से, जैसे अवधेश जी ने बोला कि 1 करोड़ जनता भी जग जाए और एक एक भी पेड़ लगाए साल में, फिर भी 100 करोड़ का पेड़ हो जाता, 100 भी पेड़ लगाए पूरे साल में तो 100 करोड़ का पेड़ बंद, 100 करोड़ का हमारा मिशन कम्प्लीट हो सकता। तो इसी वजह से हम सभी को यही रिक्वेस्ट करें कि आप लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ, नहीं तो अपने इलाके में, अपने आसपास जितना भी, जहाँ पे भी आपको खाली जगह मिले वहाँ पे पेड़ लगाइए, आप परिवार उनको बचाइए, और इसका जो लाभ है ये आपको ज़िंदगी में आने वाला है, आपके बच्चों को मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इसी वजह से इस मिशन के साथ हमेशा जुड़ने की कोशिश करिए। और हम लोग कहना चाहते हैं कि युवा जो आप लोग स्कूल में हो, कंपनी में हो, एक ग्रुप है छोटे छोटे, ये हर संडे को हम कहते हैं मॉल जाते हैं, मूवी देखते हैं, आप देखो सब कुछ एंजॉय करो जैसे करना है, लेकिन संडे को 1 घंटा सुबह का, 2 घंटा सुबह का आप
पेड़ लगाइए और फिर कहीं निकलिए, पेड़ों के साथ भी एंजॉय करो पेड़, क्योंकि एक ऐसा है कि 500 मूवी देखा, 4 दिन मूवी याद रहेगी, फिर भूल गए, एंजॉयमेंट खत्म। लेकिन पेड़ है कि अगर हर हफ्ते देखते रहेंगे, हर बार बड़ा होगा, एंजॉयमेंट एक अलग होगी। और मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, मेरा ये कोई मिशन नहीं धरती बजाने, एक मेरा शौक है, एक हॉबी है कि पेड़ लगाना है। मैं कहीं भी जाता हूँ, यहाँ भी कहे कि साफ सफाई करना है, पेड़ नहीं लगाना। मैंने कहा मैं आऊँगा या हमारी टीम मिशन 100 करोड़ आएगी तो हम लोग पेड़ लगाएंगे, हम लोग का काम पेड़ लगाना है और सफाई कर देंगे, आज कल फिर कोई गंदा कर देगा। और पेड़ लगेगा तो कम से कम 100 साल 500 साल तक पीपल बरगद नीम रहेगा। नहीं, और तो दोनों हम करते हैं, सफाई भी करते हैं उसके बाद पेड़ भी लगा देते हैं। अभी हमने पेड़ लगाने भी बहुत जरूरी है, हमने शुरू सफाई से तो किया था, उसके बाद हमने पेड़, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्लास्टिक उसमें रह जाता है। 100 करोड़ का जो मेन उद्देश्य है कि हम लोग ने जब इसको शुरू किया था कि ऐसा हो क्यों रहा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक आदमी के ऊपर 422 पेड़ है, 422 थे, क्योंकि अमेजोन में आग लगने की वजह से तो अब मुझे लग रहा है कि और घट गया होगा। 422 इंटरनेशनल लेवल पे थे, इंडिया में सिर्फ 28 पेड़ है, 28 एक आदमी की लाइफ टाइम में जो यूज होती है 16 से 18 पेड़ की यूज होती है, तो 16 से 18 यूज होती है, 28 है, तो हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देके जाएंगे। हम जो अभी हैं, जो हम लोग जब लास्ट एज पे जाएंगे तो हमारे लिए भी 16 से 18 पेड़ नहीं रुक पाएंगे, तो हम अपने आने वाले के लिए क्या देके जाएंगे। जो आज हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, आगे वाले जनरेशन के लिए, तो क्या उसके लिए हम हवा और पानी छोड़कर जाएंगे। जो क्योंकि हवा और पानी जब तक नहीं रहेगा तब तक उसको कुछ भी मिल जाए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि 135 करोड़ की हमारी आबादी है, बस कुछ नहीं करना है, एक पेड़ हर साल लगाना है। अगर एक पेड़ भी अगर हर साल अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो 16 से 18 ले रहे हों कम से कम वो तो अपना दे कर जाएं। मरने के बाद भी 2 पेड़ लेके जाएंगे, उसके बाद वो उनका संस्कार किया जाएगा। तो ये चीज़ चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ को कीजिए और आप करके देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा इसमें कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैम आप हाउसवाइफ भी हैं, हाँ जी, तो आप अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के कैसे मैनेज कर पाती हैं ये चीज़? कर लेती हूँ करना ही पड़ता है, अगर जोश जुनून है अगर तो कर सकते हैं, शौक है पेड़ों का। सुबह मैं आती हूँ तो नाश्ता खाना सब रेडी करके आती हूँ, चाय बना के रख के आती हूँ फ्लास्क में कि हस्बैंड मेरे पी लेंगे। हस्बैंड भी मेरे बहुत, परिवार भी सपोर्ट करता है, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए तैयार कर, वो कहते हैं नहीं जाओ, तुमको जहाँ खुशी मिलती है वो तुम काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो ओके, थैंक यू।